ऋषि चिंतन चैनल में आप सबनु उष्मा भर्यु स्वागत छे। युग साहित्यनो स्वाध्याय घर घर में जो समग्र रूपांतरण इच्छता हो तो अमारु साहित्य वाचो, समझो अने शीखो। युग साहित्यना स्वाध्याय में ज मानव में देवत्वनो उदय, धरती पर स्वर्गनु अवतरण अने युग निर्माण सत्संकल्प पूरो करवानी शक्ति छे। उत्तम ग्रंथों अध्ययन करीने मनुष्य महापुरुष, महात्मा, ऋषि, देवता बनी शके छे। धन धान्य सहित आ समस्त पृथ्वीनु दान आपवाथी जेटलू पुण्य मळे छे तेनाथी त्रण गणु पुण्य स्वाध्याय करनारने मळे छे। अमारू साहित्य घर घर में वंचावो तो अमारो दावो छे कि युग अवश्य बदलाशे, एनाथी ओछामां काम चालशे नहीं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मन जीत्युं तो जग जीत्युं। मन मनुष्यनो सौथी मोटो शत्रु छे। एनी साथे युद्ध करवुं ए अघरुं कार्य छे। एनी साथेना युद्ध में एक विचित्रता छे। जो युद्ध करनारो दृढ़ताथी युद्ध करतो रहे, पोतानी इच्छा शक्ति ने मनना व्यापारों पर लगावी राखे तो ए सैनिकनी शक्ति खूब वधे छे अने एक दिवस एनी पर पूरेपूरो विजय प्राप्त करी ले छे। मन ने दृढ़ निश्चय में स्थिर राखवाथी मुमुक्षुनी इच्छा शक्ति प्रबल बने छे। मननो स्वभाव मनुष्य ने अनुकूल बनी जवानो छे। एने काम आपो, ते चुपचाप बेसी शकतो नथी। जो तमे एने फूलों पर विचरण करनार पतंगियो बनावी देशो तो ते तमने परेशान करी मूकशे। जो तमे एने उद्दंड राखशो तो ते रात दिवस भटकतुं ज रहेशे। परंतु जो तमे एने चिंतन करवा योग्य बाबतोमां स्थिर राखवानो प्रयत्न करशो तो ते तमारो सौथी मोटो मित्र बनी जशे। જ્યારે તમારા મનમાં વાસનાનો પ્રબળ વેગ જાગે ત્યારે નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિને જાગૃત કરો। થોડીવાર માટે મનથી અળગા થઈ તેના વ્યાપારો પર તીક્ષ્ણ નજર રાખો। બસ વિચાર શૃંખલા તૂટી જશે અને તમે તેનાથી ચલિત નહીં થાઓ। મનનું કહ્યું ન માનો। આવો અભ્યાસ કરવાથી મન તમને આજ્ઞા નહીં કરી શકે, ઉલટું તે તમારો આજ્ઞાપાલક અનુચર બની જશે। અખંડ જ્યોતિ, માર્ચ 1945।